देखो भाई, आपने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे डीएम किए और हर डीएम हर क्वेश्चन में यही सवाल, यही क्वेश्चन कि भाई हमें थॉमस शेल्बी की तरह आई कांटेक्ट चाहिए, हमें भी थॉमस शेल्बी की तरह पावरफुल आई कांटेक्ट रखना है, कैसे रखेंगे वो हमें बताइए। तो भाइयों, आज का वीडियो इस टॉपिक पे है। अगर आपने थॉमस शेल्बी की पीकी ब्राइंडर्स देखी है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि भाई थॉमस शेल्बी एक मिस्टीरियस पावरफुल और कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट थॉमस शेल्बी रखता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हम थॉमस शेल्बी की तरह अपनी आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव कैसे करें, एक पावरफुल आई कॉन्टैक्ट कैसे रखें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो सके, हम भी पावरफुल दिख सके। तो इस वीडियो में मैं 5 रूल 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो थॉमस शेल्बी फॉलो करता है अपने पावरफुल आई कॉन्टैक्ट रखने के लिए। किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं पहले रूल की ओर। एंड दैट इज, बिफोर स्टार्टिंग ए कॉन्वर्सेशन मेंटेन 4 to 5 seconds आई कॉन्टैक्ट एंड देन स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन। अब भाई इसका मतलब क्या, जब भाई आप किसी से बात करने जा रहे हो, जब आपने डिसाइड किया है कि भाई हाँ मुझे इस बंदी से या फिर इस बंदे से बात करना है, तो जब बात करने से पहले, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 4-5 seconds आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, देन आपको अपनी बात उसके सामने रखनी है। ऐसे ही नहीं कि मतलब आप डायरेक्ट जाके बात कर रहे हो, भाई नहीं, थोड़े कूल और काम हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, 4-5 seconds का आई कॉन्टैक्ट रखो एंड देन स्लोली कीप योर वर्ड्स, ठीक है, जो आपको बोलना है, जो आपने डिसाइड किया, फिर उसके बाद कूल काम वे में अपनी बात उसके सामने रखनी है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर। और अब बढ़ते हैं सेकेंड रूल की ओर, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग इसी गलती के कारण कॉन्फिडेंट लो कर देते हैं अपना, एंड दैट इज स्लो डाउन योर आई मूवमेंट्स। अब भाई इसका मतलब क्या है, जब आप कॉन्वर्सेशन में होते हो, जब आप किसी से बात करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम लोग अपनी आंखें इधर उधर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपकी आई कॉन्टेंट मेंटेन नहीं करता, इधर देख के अगर आपसे बात कर रहा हूँ, तो शायद इतना कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करेगा, आपको भी पता है। तो अब क्या करना है, जब आप किसी से बात करते हो तो आप मैक्सिमम लोग अपनी आंखें इधर उधर इधर ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं, एक जगह ही स्टील नहीं करते हैं, समझ पा रहे हो, वो आई मूवमेंट्स कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इधर देख लिया, उधर देख लिया, ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया, आसपास कौन जा रहा है वो देखेंगे। जब आप किसी से बात करते हो और सामने वाला बंदा किसी और पर्सन को देख रहा है, तो वो फिर इतना कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करता, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा सिर्फ बात सुनने के लिए पास खड़ा है, बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको ये गलती आज से नहीं करनी है, कूल काम खड़े रहो और उसके और ध्यान दो, और अपने आई मूवमेंट स्लो डाउन कर दो, उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की ओर जो आपको फॉलो करना पड़ेगा आज से, एंड दैट इज 50-70 रूल। इसका मतलब क्या, जब आप किसी से बात करते हो तो आपको 50% आई कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, और जब आप किसी की बात सुनते हो, जब सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप सुन रहे हो, तो उधर आपको 70% आई कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है कि जब आप कुछ बात बता रहे हो, जब आप कॉन्वर्जेशन में हो, जब आप कुछ स्पीच कर रहे हो, तो आपको 50% आई कॉन्टैक्ट रखना है, और जब आप लिसन कर रहे हो, सामने वाला बंदा कुछ बता रहा है, जब आप लिसनिंग स्टेज में होते हो, तो उधर आपको 70% आई कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। क्लियर, ये जब आप करोगे तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखोगे, आप इंटरेस्टेड दिखोगे, सामने वाला बंदा फील करेगा कि भाई हाँ ये वाकई में कॉन्वर्जेशन में इंटरेस्टेड है, ये मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है। और जब ऐसा लगता है किसी बंदे को कि भाई कोई बातें मेरा सुन रहा है, इंटरेस्ट दिल से दिमाग से इंटरेस्ट लेके बात सुन रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपसे इंप्रेस हो जाता है, आपको भी पता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं, और किसी की बातें में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। और जब आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी कदर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अपना फोर्थ रूल सेकंड रूल से सिमिलर है, एंड दैट इज डोंट लुक टू मच अवे। अब इसका मतलब क्या है, अब फॉर एन एग्जाम्पल 4-5 दोस्त खड़े हैं, ठीक है, आप कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ बता रहे हो उन बंदों को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इधर उधर देखते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी से बात करते हो, कोई बंदा या बंदी आपके आसपास से गुजर गया और आप उसको देख रहे हो, लेकिन आप बात कर रहे हो, तो उधर क्या होगा, आपको क्या कैसा फील होगा, आपको ये फील होगा कि भाई वो बंदा शायद इंटरेस्टेड नहीं है इस बातों में। या फिर जब सामने वाला बंदा आपसे कुछ कह रहा है, जब वो अपनी दिल की बातें आपको शेयर कर रहा है, अपना दर्द दुख आपसे शेयर करता है, और कोई अच्छी सी लड़की पास से गुजर गई और आप इधर देख के बात कर रहे हो, तो फिर कैसा लगेगा आपको, ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि भाई मैं अपने दुख दर्द बात कर रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली दुख दर्द होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा फील होगा। तो क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है,
ठीक है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखो, जो भी जैसा भी आपको फील करे, लेकिन 70% आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा उस बंदे से। फुली ये क्लियर है। बढ़ते आखिरी पांचवे पॉइंट की ओर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डोंट स्टीयर, मेंटेन ए नेचुरल आई कॉन्टैक्ट। तो अब जब आपने चार रूल सुन लिए तो आप लोगों में एकदम स्टीयर करने लग जाओगे, तो भाई वो नहीं करना। आप बोलोगे कि भाई रामू भाई ने बोला है कि एकदम स्टीयर करने का, इधर उधर नहीं देखने का, सिर्फ उस बंदे में देखने का, तो वैसा नहीं करना है। आपको स्टीयर नहीं करना है, आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है, आपको एक नेचुरल आई कॉन्टैक्ट रखना है। तो अब फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे स्टीयर करके बात करोगे तो आप इंटरेस्टेड नहीं लगते, लेकिन अगर आप नेचुरल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हो तो आप कॉन्फिडेंट, कूल और नेचुरल लगते हो और जेन्युइन दिखते हो। तो स्टीयर ऐसा नहीं करना है, एक नेचुरल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है, जैसे मैं अभी आपके साथ रखा है, ठीक है, वो आपको करना है। ज़्यादा आई मूवमेंट्स नहीं करना है। और सेकेंड रूल की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और ऐड कर देता हूँ, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ जब भी आपको इधर या फिर उधर देखना है तो आपको स्लो डाउन करना है, अपने जो आई मूवमेंट्स है बहुत स्लो डाउन करना है। आपको एकदम ऐसा नहीं देखना, आपको एकदम रिलैक्सली स्लोली अपने आईज मूवमेंट करनी है। अब इससे क्या होगा, आप दिखोगे कूल, काम और रिलैक्स्ड, जिससे आप कॉन्फिडेंस साउंड करते हो। थॉमस शेल्बी हमेशा अपनी आई मूवमेंट्स स्लोली करता है, वो आपको भी करना है। होपफुली ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर है और आज से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। बहुत ही ईजी और सिंपल रूल्स है, ट्रिक्स है, जो फॉलो आपको आज से करनी है। दैट्स इट। जय हिंद।